आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट से हमारा क्या मतलब है? डिस्क्रीट हम ऐसे डेटा को कहते हैं जो काउंटेड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर एस को हम सिंपल जबान में ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जो पॉइंट के बगैर हो। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 है, ये क्या है? ये हमारे पास एक काउंटेड डाटा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहलाती हैं। फ्रीक्वेंसी के हमारे पास जो वैल्यू है, जो हम किसकी बात कर रहे हैं डिस्क्रीट की, वो कितनी दफ़ा जो है वो हमारे पास पूरे डाटा में आई है। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो मेरे पास 5 दफ़ा आया है, तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है 1 की। 2 जो है वो 7 दफ़ा आया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और 3 जो है वो मेरे पास कितनी दफ़ा आया है? 4 दफ़ा आया है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास वैल्यूज़ को और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एक टेबल की फॉर्म में साथ में लिखें, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से बना सकते हैं? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। हमारे पास जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम करते हैं मुख्तलिफ ब्रांचेज में किसी भी बैंक की, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है? अरेंज द वैल्यूज़ एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इन वैल्यूज़ को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना है। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, वो हम देख सकते हैं, वो डिस्क्रीट हैं। जैसे 2, 3, 9, 0, ये सिंपल नंबर्स हैं जो कि क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि उस बैंक में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास बन रहे हैं, और उनकी हर एम्प्लॉय की, यानी जो कि हमारे पास ब्रांचेस में बन रही हैं, क्या फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। यानी 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, वो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम लोग लिखते होते हैं छोटे से बड़े तक। जैसे हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है यहाँ पर पूरे डाटा में गिवन, वो हमारे पास है 0। और सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग देख लेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 से 9 तक यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हमने इसे टेबल की फॉर्म में लिख लिया, आप देख सकते हैं क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। टैली हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं, यानी हम इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम, ये हमारे पास स्मॉल एफ होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, यहाँ पर हमने कहा 0 से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब हम लोगों के पास टैली में हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम बेसिकली ये हमारे पास एक मेथड है कि हम जितनी दफ़ा 0 आएगा उतनी दफ़ा लाइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, 0 है हमारे पास आया, हमने एक लाइन लगा दी। फिर हम लोग देखते चले गए डाटा में कहाँ पर, फिर हमारे पास सेकेंड टाइम आया, तो हमने यहाँ पर फिर एक लाइन लगा दी। इसी तरीके से हम मज़ीद देखते गए, यहाँ पर फिर 0 आ गया, तो हमने लगा दी। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमें बताता है कि हमने इतनी दफ़ा काउंट कर लिया है। तो हमने कितनी दफ़ा काउंट किया है 0 को, हम लोगों ने 3 टाइम्स इसको काउंट किया है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, 3 होगी। इसी तरीके से हम लोग 1 को देखेंगे, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को देखेंगे। जैसे कि 1 है वो हमारे पास, अगर हम इसे काउंट करें तो कितनी बार आता है, यहाँ से अगर हम देखें ये फर्स्ट टाइम आ गया। इसी तरीके से हमने इसको दोबारा देखा, तो ये हमारे पास सेकंड टाइम आया, ये हमारे पास थर्ड टाइम आ गया, और ये फोर्थ, तो ये मैंने लिख दिया 4th। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से टैली मार्क्स बना लेंगे, इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। हमने तमाम वैल्यूज़ को इस टेबल में लिख लिया है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या बन गया है, ये हमारे पास जो टेबल की फॉर्म में हमने लिखा है, ये बन गया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा था। अब हमारे पास अगर हमें चेक करना हो कि हम लोगों ने सही किया है या नहीं, तो हम अगर इन टोटल वैल्यूज़ को काउंट करें, तो ये हमारे पास कितनी बनती हैं, ये हमारे पास
50 बनती हैं। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसीज का, ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर इसको हम लिखें स्मॉल f कहते हैं, इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यानी कि मैं अगर सम करूँ 3 + 4 + 6 एंड प्लस सो ऑन, मैं इस तरीके से इनको सिंपली ऐड करती जाऊँ यहाँ 1 तक, तो मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, 50 के। अगर ये 50 आता है तो इसका मतलब है कि मैंने जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने एग्जांपल के ज़रिए देखा कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसकी किस तरीके से बना सकते हैं।